तो हेलो गाइस, क्या हाल आप लोगों का। तो मैं हूँ सानी और आप देख रहे हैं सानी ऑफिशियल। तो मैं आप लोगों के लिए एक सुनहरी मौका लेकर आया हूँ जिसमें आप लोग पाई नेटवर्क के हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। 2008 का सुनहरी मौका खोने के बाद एक बार फिर वही मौका आप लोगों के सामने आया है। वो कौन सा मौका है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये मौका है कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी की एक डिजिटल करेंसी थी जो 2008 में आई थी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, जो कि एक बिटकॉइन $35,000 का एक बिटकॉइन है। तो इसी तरह की एक और क्रिप्टो करेंसी आई है जिसका नाम है पाई नेटवर्क। वो पाई नेटवर्क असल में है क्या, वो असल में एक डिजिटल करेंसी है जिसे हाल ही में एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है जिन्होंने एक उसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन की शक्ल दी है, जो कि आप अपने मोबाइल में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आगे चल के मैं आपको बिल्कुल इसका इंस्टॉलेशन तरीका भी बताऊंगा और कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि वो किस तरह काम करती है। उसमें आपने करना क्या, आपने 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ हाफ मिनट देना है और उसकी माइनिंग को स्टार्ट करना है, और फिर आपने और कुछ भी नहीं करना। तो फ्यूचर में वो आपको हज़ारों नहीं तो लाखों करोड़ों रुपए दे सकती है, जिस तरह आजकल बिटकॉइन से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और बहुत ज़्यादा अमीर हो गए हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि आपने सबसे पहले अपनी ऐप को इंस्टॉल करना है। तो आते हैं अपने प्ले स्टोर में, तो ये देखें हम जाते हैं सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में। यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है, ये आपके पास पाई नेटवर्क लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आपने इसको ऐसे सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है जी। तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा, हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये आप लोगों के सामने कुछ इस तरह शो होगी। तो इसमें दो ऑप्शन होंगे, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आपने अपने ओरिजिनल फ़ोन नंबर से वेरीफाई करना है, तो ये अथेंटिक मानी जाएगी। तो आपने फ़ोन नंबर देना है, तो आप जिस कंट्री से हैं तो आपने वो अपना कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, अपने यहाँ पर फ़ोन नंबर दे देना है। फ़ोन नंबर के बाद आपने नेक्स्ट गो पे क्लिक कर देना है। तो आप लोगों के पास इस तरह आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। ये पासवर्ड देने के बाद इसको सबमिट कर देना है। तो जब ये सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पर आपने अपना CNIC वाला नेम देना है एज इट इज़। वो क्यों देना है, उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि जब आप अपना CNIC वाला नेम नहीं देंगे तो जब इसकी माइनिंग रुक जाएगी और उसके बाद पैसों में माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी और जब आप अपनी पेमेंट विदड्रॉ करवाने लगेंगे तो वो CNIC वेरिफिकेशन मांगेगा, तो उसमें आपको अपना नेम करेक्ट देना होगा। तो वो बाद में भी आपसे ऐप इंस्टॉल करने के 2 या 4 दिन बाद आपसे दोबारा मांगेगा नेम वेरीफाई। तो आपने सेम टू सेम नेम रखना है, जैसे ये हमारा CNIC नेम आ गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है चूज़ योर यूज़र नेम, तो आपने अपना कोई भी यूज़र नेम चूज़ कर लेना है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका एन इनविटेशन कोड इज़ रिक्वायर्ड, फाइंड इट योर रेफरल मैसेज। तो वो यहाँ पर रेफरल मैसेज लाजमी मांगेगा, इसके बगैर आपकी ऐप का अकाउंट क्रिएट ही नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है, ठीक है, आपने यहाँ पर लिखना है R3XSANI, ये आपने इनविटेशन कोड लिखना है। उसके बाद आपने कर देना है इसको सबमिट। सबमिट होने के बाद आपको एप्लीकेशन कुछ इस तरह की नज़र आएगी। अभी आप लोगों को वेलकम टू पाई नेटवर्क कह रहा है और उसमें आपको उसने एक पाई फ्री दे दी है। तो आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सिर्फ गेट स्टार्टेड के ऊपर प्रेस करना है। अब ये देखें यहाँ टैप टू अर्न मांग रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने स्टार्ट टू अर्न पर क्लिक करना है और आपने यहाँ नेक्स्ट करना है, यहाँ नेक्स्ट करना है और यहाँ पर नेक्स्ट करना है और यहाँ पर नेक्स्ट। तो वो आपसे कुछ रूल फॉलो पूछ बताएंगे, आपने कुछ भी नहीं करना, आपने उसको बैक कर देना है। तो ये देखें आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है, तो ये आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। आप लोग इसकी अपडेट भी देख लीजिएगा जो कि विदड्रॉ के मुतालिक है, जो कि ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम इस ऐप में से विदड्रॉ कैसे करवाएंगे। तो आइए देखते हैं उसकी न्यू अपडेट। Hello Pioneers! Today I have two very quick updates to give you. First, as you may have noticed, the Pi mobile app is currently under maintenance. That means that it's running with limited functionality. We anticipate this maintenance to last several days, and that's why we wanted to give you this announcement now so that you are not worried about it.
The core team is working non-stop to minimize the inconvenience, so please be patient and rest assured that your Pi is safe. If you find that your app is not working, simply check back later, maybe a few minutes or a few hours, and do not attempt to uninstall and reinstall it, trying to fix it yourself, because there's nothing wrong with your own local application. Reinstalling the application might get you locked out of your account, especially if you have forgotten your password, because the password recovery system is currently offline. We will restore the normal functionality of Pi as soon as possible. Second, I wanted to share with you my excitement that our initial non-custodial Pi wallet for the Pi testnet is ready and the core team is testing it internally already. Its interface is not finalized yet, or it's not very pretty, but the functionality is there. We aim to release it initially to the Pi moderators for testing and then to node applicants by the end of the month. So stay tuned.